सबकी शक्ति मिलकर भी प्रचंडिका के प्रचंड दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि आज मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ तुम सबको मिट्टी में मिलाने की। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर आज तुम हमें नहीं रोक पाओगी प्रचंडिका। नहीं परियों, तुम में से कोई भी प्रचंड लोक में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर अच्छाई बुराई को अपने कवच से रोक सकती है तो बुराई भी अच्छाई को अपने कवच से रोक सकती है। हालांकि तुम्हारे पास एक रास्ता है, तुम में से बस एक परी प्रचंड लोक में आ सकती है, वो है रानी पर। रानी परी, अगर तुम बच्चों को बचाना चाहती हो तो तुम्हें रंगीला को आजाद करना ही होगा। कभी नहीं, हम बुराई को नया जीवन कभी नहीं देंगे। अच्छा, सोच लो, बच्चों के साथ साथ बालवीर की अच्छी छवि भी उस चित्र में कैद है। अगर रंगीला को आजाद नहीं किया तो बच्चों के साथ साथ बालवीर की अच्छी छवि भी चित्र में कैद ही रहेगी, और बालवीर की बुरी छवि पृथ्वी पर बुराई करती रहेगी। और अगर बालवीर और बच्चों को बचाना चाहती हो तो आओ, आ जाओ मेरी कैद में। वरना आना चाहे कोई और नई मुसीबत। भाग, अगर तुमने भागने की कोशिश भी की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हारा खेल समाप्त हो गया तौबा तौबा, तुम और बुराई नहीं फैला सकते। दोनों तरफ से मुसीबत। तौबा तौबा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तौबा तौबा। बालवीर कहाँ है? अभी तक देखा ही क्यों नहीं दिया? हम इस जादुई ब्रश को ले लेते हैं। हाँ। चलिए। तुम लोग बुराई को नहीं हरा सकते, क्योंकि अगर तुम लोग बुराई को हराना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा, जो तुम सबके लिए असंभव है। सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बालवीर नहीं हो सकता। जरूर, बालवीर भी इस जादुई ब्रश से चित्र बनाकर बुरा बन चुका है। सही पहचाना तुम लोगों ने, तो अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। सच्चाई और अच्छाई के सिपाहियों, ये पेंटिंग बनाई आप लोगों ने? हाँ। ऐसा लग रहा है आप लोग पिज्जा बनाने गए थे और बैंगन का भरता बना कर आए हैं। स्मिता, वैसे अच्छा बना है। क्या, बैंगन का भरता? चुप रह। वैसे देखो ना स्मिता, इतनी भी बुरी नहीं है। बहुत बुरी है महेश। अच्छा हुआ कि वो कंपटीशन फेक था, वरना इस पेंटिंग को देखकर वो लोग कॉम्पिटिशन ही बंद कर देते।
वैसे एक बात बहुत अच्छी है, आप दोनों ने मुझसे छुप छुप कर इस पेंटिंग को ठीक करने की इतनी कोशिश की ताकि इस पेंटिंग को देखकर मुझे दुख ना हो। एक बात कहूं, कंपटीशन का तो पता नहीं लेकिन आप दोनों ने मेरा दिल जरूर जीता है। थैंक यू वेरी मच मिता। मुझे तुम्हारे अंत करने का रास्ता मिल गया है। जैसे रंगों पर पानी डालने से वो मिट जाते हैं, वैसे ही तुम भी रंगों से बने, इसलिए तुम पर भी पानी गिरते ही तुम भी रंगों की तरह धुलकर मिट जाओगे। क्या हुआ बालवीर, हार मान ली या मुझसे अपने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने की सोच रहे हो? तुम कुछ भी करो लेकिन आज मैं तुम्हारा अंत करके ही रहूंगा। रुक जाओ। बालवीर से पहले हमसे तो निपट लो। रुक जाओ बच्चों, रंगीला को मिटाने का यही सही समय है। तुम भूल गई हो रानी परी, और तुम्हें बालवीर और बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं भी क्या करूं। तुम्हारे हर बार का जवाब हम दुगने बार से देंगे प्रचंडिका। अपना और मेरा समय खराब कर रही हो रानी परी, तुम्हें तो मेरे कैद में आना ही होगा। तुम जितना देर करोगी उतना ही पृथ्वी लोक पर बच्चे मुसीबत में पड़ेंगे। नहीं रानी परी, आप इसकी बातों में मत आइएगा। ये कहती कुछ और है और करती कुछ और है। हाँ रानी परी, हमें तो डर है कि आपको कैद करने के बाद भी ये बालवीर से और बुरे काम कराएंगी। ऐसा है, संभालो मेरे अगले वार को। ने कहा था ना, अगर बुराई की योद्धा से लड़ोगे तो अच्छाई और सच्चाई हारेगी। अब तुम तीनों का अंत निश्चित है। सामना करो मेरा, वार करो मुझ पे। लेकिन बालवीर, तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे हो। नहीं, मैं बुराई का रक्षक हूँ और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की जीत और अच्छाई का अंत। Hey, Bobby!
आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे हैं। तुम अच्छे बालवीर हो। हाँ बालवीर, तुम अच्छाई के प्रतीक हो, तुम बुरे काम नहीं कर सकते। नहीं 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 बालवीर, मत आना इनकी बातों में। है बुराई की जीत तुम पर ही निर्भर। कर दो, कर दो इन सब को समाप्त बालवीर। बालवीर नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा खेल बच्चों, अब रंगीला की बारी है। तुम्हारे होश ठिकाने लगाने के बाद बालवीर पर से भी अच्छाई का रंग उतारना है मुझे। चट्टान तो क्या, तुम पूरा पर्वत भी मुझ पर फेंक दो बालवीर, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग पर से अच्छाई और सच्चाई का रंग मिट जाएगा और हर जगह सिर्फ और सिर्फ काला रंग होगा, बुराई का रंग। बालवीर तुम ऐसा नहीं कर सकते। बालवीर, पूरे जीवन तुमने बस अच्छाई और सच्चाई की जीत देखी, मगर अफसोस तुम्हारी आखिरी सांसें तो बुराई की जीत देखते हुए खत्म करोगी। जब तक हमारी सांसें नहीं थमेगी तब तक सच्चाई और अच्छाई को बचाने की हमारी कोशिश नहीं थमेगी प्रचंडिका, और ऐसा करने का मौका नहीं देगी तुम्हें शातिर पर। रानी परी, दो कदम दूर हो तुम, तुम्हारी हार से और मेरी जीत से। एक बार तुम इस कवच को पार करके यहाँ आ गई तो कभी लौट कर वापस नहीं जा पाओगी। ये परी हंस क्यों रही है? शायद अपनी हार को देखकर सदमा लग गया है इन्हें। सदमा तो तुम्हें लगेगा जब तुम पीछे अपने अंत को देखोगी। पीछे देखो प्रचंडिका, तुम्हारे बुराई की हार और तुम्हारा अंत करने वाले सच्चाई के योद्धा ने किया है ये सब।
देखो कैसे बालवीर ने आज तुम्हें फिर से मात दे दी। ये बालवीर मुझे इस तरह है लगता है पलट गई बाजी, तो फिर पलट कर भागने में है तुम्हारी भलाई। तोबा तोबा भाग, पलट और भाग। लगता है बालवीर ठीक हो गया। बालवीर आप ठीक तो है ना? अब मैं ठीक हूँ, आप तीनों ठीक है ना? अरे कैसे हुआ बालवीर, तुम फिर से अच्छे बालवीर कैसे बन गए? मेरी अच्छी छवि ने तस्वीर के अंदर रंगीला का अंत कर दिया और उसके अंत के साथ ही उसके जादुई ब्रश का भी असर खत्म हो गया। मेरे साथ साथ बाकी सारे बच्चे अच्छे और सच्चे बन गए। बालवीर सचमुच आपके होते हुए बुराई सच्चाई और अच्छाई के सामने कभी जीत नहीं सकती। देखा जब बालवीर जी इनके साथ थे ना ये लोग हवा में उड़ते थे। पर मोंटूस अब बालवीर आपके साथ है, फिर भी आप हवा में नहीं उड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि मोंटूस हाथी थोड़ी ना इतना ऊपर उड़ सकता है। चुप मोंटू, तूने जैसे पेंटिंग बनाने को बोली थी मैंने वैसी पेंटिंग बनाई है, अब हम सब जा सकते हैं। जब पेंटिंग बनाने से काम खत्म हुआ ऐसा सोच मत, तुम लोगों को और भी काम है। जा तुम्हें ले जूस लेके आ। अरे तुम लोग रुके हुए काटो। बस इस पेंटिंग को कंपटीशन में देने की देरी है, फिर तो मैं कंपटीशन यूं जीत जाऊंगा। बस बस मैंने रेडियो पे अभी बैड न्यूज सुनी। जैसी तेरी शक्ल है वैसी तेरी न्यूज भी रहती है बैड। मोंटूस ये पेंटिंग कंपटीशन नकली है क्या? और ये रंगीन नाम की ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है। अरे यार जब भी मैं जीतने के रास्ते पे चलता हूँ कुछ ना कुछ होके गड़बड़ हो ही जाती है। क्योंकि बस भगवान भी यही चाहते हैं कि आप हीरो नहीं जीरो बनो। वेलकम वेलकम बालू जी वेलकम। दोस्तों डरो मत, हमारा बालवीर वापस आ गया। हाँ तुम सबका अच्छा बालवीर वापस आ गया है। मोंटूस बालवीर जी वापस आ गए, अब क्या करना है? करना क्या है? वही जो हम हमेशा करते हैं, भागो। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी बुरी शक्ति आप सबको नहीं परेशान कर पाएगी। हाँ दोस्त तुम्हारा सच्चा और अच्छा बीबी भी अब वापस आ गया है। अच्छाई और सच्चाई का रंग अब हर जगह फैल जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.